हे गाइस, आप देख रहे फंडा टॉन टैक। दोस्तों, आपने रोड में चलते हुए अक्सर देखा होगा कि पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ लेती है जिन्होंने अपने बाइक के साइलेंसर को चेंज किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बाइक को नया लुक देने के लिए साइलेंसर को चेंज करवा देते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बाइक की आवाज़ ज़्यादा पसंद आती है, ऐसे में वह साइलेंसर को चेंज कर लेते हैं। लेकिन पुलिस कई बार भी आपको पकड़ लेती है और आप पर जुर्माना कर देती है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इंडिया में साइलेंसर बदलने पर बैन है? तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो का माध्यम से आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए अधिकतम शोर सीमा 80 डेसिबल है। लेकिन जो बाइकर्स अपने व्हीकल में मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं, वे नियमों का उल्लंघन करते हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक कम से कम 120 डेसिबल और अक्सर 130 डेसिबल से ऊपर का ज़्यादा शोर करती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि ज़्यादा शोर करने वाली बाइक को देखने के चक्कर में बहुत सारे लोग एक्सीडेंट भी कर गए हैं। इसीलिए इंडिया में बाइक में साइलेंसर चेंज करने पर बैन है। दूसरा, RTO से अप्रूव नहीं है ऐसे बदलाव। MV एक्ट की धारा 52 के हवाले से नियम यह है कि फैक्ट्री मॉडल में बदलाव पर बैन है। फैक्ट्री मॉडल में अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो यह गैरकानूनी है। अगर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से अप्रूवल ना लिया गया हो, तो ऐसे में अगर आप अपनी बाइक की साइलेंसर को चेंज करवाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा रॉयल इनफील्ड, KTM और अन्य कई ब्रांड्स हैं जिनकी एग्जॉस्ट की अपनी अलग रेंज है जो नियमों के मुताबिक है। तीसरा यह है कि दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि जब भी अपनी बाइक के साइलेंसर को चेंज करवाते हैं तो वो कैटलिटिक कन्वर्टर को हटा देते हैं, जबकि यही एग्जॉस्ट की गैसों को फिल्टर करता है ताकि खतरनाक कण वातावरण ना फैल सके। BS6 उत्सर्जन मानकों को पालन करने के लिए कैटलिटिक कन्वर्टर जरूरी है। अगर आप कैटलिटिक कन्वर्टर हटवाकर कोई और हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगवाते हैं तो आपकी गाड़ी BS6 के मानकों पर खतरे नहीं उतरती, जो नियमों का उल्लंघन करती है। तो दोस्तों, ये तीन ऐसे रीजन थे जिसके कारण इंडिया में बाइक का साइलेंसर चेंज करवाने पर बैन है। तो दोस्तों, अगर आप बाइक के साइलेंसर चेंज करवाते हैं तो पुलिस आप पर 2000 से 15000 तक का जुर्माना लगा सकती है। यही नहीं, आप पर 3 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको साइलेंसर चेंज करवाना भी है तो सबसे पहले आप RTO से परमिशन ले लीजिए। इसके अलावा आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाना है तो वैसे साइलेंसर को लगवाएं जो आधिकारिक रूप पर बिकते हो। वैसे तो बाजार में बहुत सारे एग्जॉस्ट मौजूद है जिनमें लिखा रहता है डेसिबल किलर, लेकिन दोस्तों अगर ये भी आप लगवा लेते हैं तब भी आप पर जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि इंडिया में आखिर साइलेंसर को चेंज करवाना क्यों गैरकानूनी है। आई होप दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।